नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईएस एग्जाम स्टडी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक के निम्नलिखित अपतटीय गश्ती जहाजों में से किसको फरवरी 2020 में कमीशन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईसीजीएस व्रत को। चेन्नई पोर्ट में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय शिपिंग मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इसे सेवा में शामिल किया गया। तटरक्षक उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत जहाज व्रत उड़ीसा के पारदीप में स्थित होगा। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय वुमन एंड साइंस है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में गांधीवादी सुधाकर चतुर्वेदी का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध थे। गांधीवादी सुधाकर चतुर्वेदी एक वैदिक विद्वान थे। इन्हें चार वेदों पर अपनी महारत के लिए चतुर्वेदी की उपाधि दी गई। महात्मा गांधी और आर्य समाज आंदोलन से गहरे प्रभावित थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दिव्यांगजनों के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक सहायता और उपकरण वितरित करेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रयागराज। यह देश में अब तक सबसे बड़ा वितरण शिविर है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ का राज्य पशु है बरसिंगा। यहाँ का राज्य पक्षी है सोर्स क्रेन। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ का प्रसिद्ध बांध है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो रिहन नदी पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए एक ऐप जारी किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में किसकी अध्यक्षता में एक मंत्री समूह GOM की बैठक ने प्याज के निर्यात पर करीब 6 महीने पुराने प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह ने। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास चित्रकूट में किया। यह चित्रकूट बांदा, हमीरपुर और जालौन जिलों से गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा। और नेक्स्ट, फरवरी 2020 में वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया था? वसंतोत्सव नामक 8 दिवसीय मेले का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर। गुजरात का एशियाई राज्य पशु है एशियाई शेर। यहाँ का राज्य पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। नेक्स्ट, कौन सा राज्य एक परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है जिसके तहत उस्मानाबादी बकरी, लाल कंधारी गाय, देवनी बैल, कारवा या पश्चिमी कुत्तों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का राज्य पशु भारतीय विशाल गिलहरी। यहाँ का राज्य पक्षी है पीले पैर वाले हरे कबूतर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना और कमीशनिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीपीसीबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनटीपीसी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ग्राहकों को पॉलिसी और नवीनीकरण प्रीमियम वितरित करना शुरू कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, वित्त सचिव राजीव कुमार ने बड़ौदा स्टार्टअप बैंकिंग का उद्घाटन किया, यह पहल देश के कितने शहरों में एक साथ शुरू की गई थी? यह पहल देश के 15 शहरों में शुरू की गई थी। यह बैंक को स्टार्टअप समुदाय के लिए एक पसंदीदा बैंकिंग भागीदार बनाने और अगले 2 वर्षों में कम से कम 2000 स्टार्टअप के साथ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से एक पहल है। 26 फरवरी 2020 को वित्त सचिव राजीव कुमार ने बड़ौदा स्टार्टअप बैंक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रोडक्शन हैंगर का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक का राज्य पशु है भारतीय हाथी। यहाँ का राज्य पक्षी है भारतीय रोलर। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है हंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में भारत में प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? भारत में प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया कि वह युद्ध के बाद जवाबदेही और सामंजस्य पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से पीछे हट रही है? श्रीलंका। इसने 2017 और 2019 में 2 और UNHRC प्रस्तावों में इन प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत किया। श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे और श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो और श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। किस देश के साथ भारत ने फरवरी 2020 में ऊर्जा बुनियादी ढांचे स्वास्थ्य और परिवहन सहित विभिन्न देशों में 10 समझौतों का सॉरी विभिन्न क्षेत्रों में 10 समझौतों का आदान प्रदान किया? म्यांमार। म्यांमार के राष्ट्रपति 26 फरवरी 2020 को फर्स्ट लेडी डो चोक के साथ 4 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे। म्यांमार की राजधानी है नेपिटाउ। यहां की मुद्रा है बर्मी कैट। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।